कल शहर के व्यापारिक संगठन श्री मोहनलाल जी और गुप्ता जी के साथ नेतृत्व में 10-15 आदमी एसपी साहब के पास गए थे। फिर एसपी साहब को उन्होंने बताया था कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति या दबाव रहता है, तो स्वयं एसपी साहब ने इस मुद्दे को लेते हुए स्वयं उनके हमारे साथ हमको साथ लेकर के आए और सबसे पहले आगरा गेट पे उन्होंने अवलोकन किया। जो ठेले लगे हुए हैं उसके संदर्भ में वो काफ़ी संख्या में बढ़ गए हैं वहाँ पे ठेले, हालांकि लगाते हैं लेकिन नगर परिषद वालों ने उनको रसीदें वगैरह काट रखे हैं। अभी टीएमसी की जो मीटिंग है हमारी 13 तारीख को, इसमें ये सारी बातें उठाएंगे। कुछ स्थानों पर बहुत दबाव रहता है ठेलों की वजह से और वो रसीदें काट देते हैं, खासकर गन्नों वालों की और है, बहुत जगह 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 गन्ने की मशीनें लग रखी हैं, ये भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। इसके अलावा आगरा गेट से फिर अपना मंदिर जो है बालाजी का मंदिर है सोनी जी के नसिया, वहाँ भी चौराया है तो दबाव रहता है। और फिर अपना आगे पुरानी मंडी, पुरानी मंडी में ऐसा जो ज्वेलर्स की दुकान है जो अपने कोने पे पुरानी मंडी के, वहाँ पे भी बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई थी, लेकिन यही मुद्दा यही आया कि सभी व्यापारियों की और उनके कर्मचारियों की हैं तो वो खुद ही इतनी जगह रोक लेते हैं, वहाँ ऑलरेडी जाम की स्थिति रहती है। तो उनसे व्यापारिक संगठन ने कहा हम उनसे बात करेंगे और वहाँ पे ऐसी कोई चेन जैसी लगा दिया जाए ट्रेंगुलर में जो उसके अंदर अंदर ही खड़े करें और जो संख्या है उसके अलावा फिर नहीं खड़े करें, जिनके ज़्यादा हैं फिर वो अन्यतर कोई स्थान के चूज करेंगे। और मदार गेट के लिए भी उन्होंने ठेलों को वगैरह को वहाँ से टू व्हीलर के अलावा फोर व्हीलर वगैरह नहीं आने दिया जाए, ये उन्होंने अपनी मांग रखी थी। तो बीच में एक बार किया भी था पिछले वर्ष, लेकिन फिर व्यापारिक संगठन और आगे आए थे काफ़ी, शायद देवनानी जी भी उस समय आए थे, कुछ मुद्दा उठा था। और फिर अब हालांकि अंदर जाने नहीं देते हैं लेकिन फिर भी ये ई रिक्शा वाले पतली गलियों से और से आ जाते हैं, तो ये सारे अभी ट्रैफिक मैनेजमेंट वाले में उठाएंगे। दूसरा अलवर गेट पे जो 5 स्कूलें हैं चौराहे पे, वहाँ पे स्कूलें जब छूटती हैं या सुबह के टाइम में काफ़ी दबाव रहता है, ये सही है उनका कहना, तो वहाँ के लिए कुछ एक्स्ट्रा जाप्ता लगाया जाएगा। और एसपी साहब ने कहा है कि कुछ थाने से भी ये उनकी जिम्मेवारी रहेगी, थाने वाले भी रेगुलर अपने अपने पॉइंट्स पे जहाँ स्कूल है वहाँ सहयोग करेंगे। और जैसे अपना एंसलम स्कूल है या केसरगंज पे दबाव रहता है, वहाँ भी काफ़ी स्कूल हैं, तो उनको टीएमसी ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है उसमें भी उन बुंदों को वेरीफाई कराएंगे, बताएंगे, कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और अभी जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको हम फॉलो करेंगे।